CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला गुंचाए शायरी। इस श्रृंखला के अंतर्गत आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम मजरूह सुल्तानपुरी। मजरूह सुल्तानपुरी 1920 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक। असरार हसन खां मजरूह सुल्तानपुरी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उनकी इब्तिदाई तालीम घर पर हुई। फिर इन्होंने लखनऊ से तिब की सनद हासिल की और तबाबत का पेशा इख्तियार किया, लेकिन बचपन से ही उन्हें शायरी से लगाव था और बहुत जल्द वो तबाबत छोड़कर सिर्फ शायरी करने लगे। बाद में वो मुंबई चले गए और उन्होंने फिल्म के लिए बहुत से मकबूल और मशहूर गीत लिखे। इस गजल के अशार में इंसान की मुख्तलिफ हैसियतों को जाहिर किया गया है। ये हैसियतें हैं आशिक, इनकलाबी, नई राहें निकालने वाला। मजरू का शुमार अहम तरीन गजल गो शूरा में होता है। उनका ताल्लुक अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन से था। उनका कलाम पुरअसर है और तसन्ना से पाक है। उनका शेर पढ़ने का अंदाज अदबी हलकों में बहुत मकबूल हुआ। उनका शुमार तरक्की पसंद गजल के नुमाइंदा शायरों में होता है। उनके कलाम के मजमूए गजल और मिशले जां के नाम से शाये हो चुके हैं। मजरूह को इकबाल एजाज, जिसे आमतौर पर इकबाल सम्मान कहते हैं, और दादा साहिब फाल्के अवार्ड के अलावा भी दीगर कई इनामात व एजाजात से नवाजा गया है। अब पेश है गजल, शायर मजरूह सुल्तानपुरी। हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह, हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। वो तो कहीं है और मगर दिल के आसपास, वो तो कहीं है और मगर दिल के आसपास, फिरती है कोई शय निगह यार की तरह, फिरती है कोई शय निगह यार की तरह। सीधी है राहे शौक पे यूं ही कहीं कहीं, सीधी है राहे शौक पे यूं ही कहीं कहीं, खम हो गई है केसुए दिलदार की तरह, खम हो गई है केसुए दिलदार की तरह। बेतईशए नजर न चलो राहे रफ्तगां, हर नक्शे पा बुलंद है दीवार की तरह, हर नक्शे पा बुलंद है दीवार की तरह। अब जाके कुछ खुला हुनरे नाखिने जुनू, अब जाके कुछ खुला हुनरे नाखिने जुनू, जख्मे जिगर हुए लबो रुखसार की तरह। मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम, मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह,
हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। मता, सामान, पूंजी, कूचा, गली, राहे शौक, मोहब्बत का रास्ता, खम, बल, पेच, गेसुए दिलदार, महबूब की जुल्फें, रफ्तगां, गुजरे हुए लोग, नक्शे पा, कदमों के निशान, तैशा, कुदाल, लिहाजा बेतईशाए नजर ना चलो के मायने हुए गौर करने वाली निगाह को इस तरह इस्तेमाल करो जिस तरह कुदाल इस्तेमाल की जाती है, यानी पुराने ख्यालात जो दीवार की तरह हैं उन्हें अपने गौर व फिक्र की ताकत से बराबर और हमवार कर दो। अहले वफा, वफा करने वाले लोग। सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर एक, राह शौक से क्या मुराद है, एक जुमले में लिखिए। सवाल नंबर दो, दूसरे शेर में वो तो कहीं है और किसकी तरफ इशारा है। सवाल नंबर तीन, गजल के मक्ते में शायर ने क्या बात कही है। अमली काम, मतलब लिखिए। हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। हम हैं मताए कूचा बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। मजरूह सुल्तानपुरी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कलाकार परवेज गौहर और शमाइला परवेज, संगीतकार हरभजन सिंह, गायन स्वर मेघा, ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण निर्देशन तथा ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।